So hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video, we are going to discuss about Prodrug. So guys, आज हम इस लेक्चर पढ़ेंगे उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कि मतलब हम प्रोड्रग क्यों यूज करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन जिसमें है फार्मास्यूटिकल और फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड है। सो गाइज, वन बाय वन हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स पोसेस सम अनडिजायरेबल फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, कि हर कोई ड्रग पोसेस करती है कुछ अनचाही प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ड्रग कैंडिडेट आर ऑफ्टन डिसकंटिन्यू ड्यू टू द इशू ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी और हाई टॉक्सिसिटी। सो क्या होता है कि हाई टॉक्सिसिटी के कारण हम उसको प्रॉपरली बना नहीं पाते मार्केट के अंदर। देयर थेरापेटिक एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी वाइल रिटेनिंग द डिजायरेबल वन। तो सिंपल सी बात है कि जो हमको नहीं चाहिए उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे उन प्रॉपर्टी को, और जो उसको रहने देंगे उनको रिटेन कर देंगे जो डिजायरेबल वन है, जो हमको चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो ये हम अचीव कर पाएंगे, ये हम हासिल कर पाएंगे उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल मॉडिफिकेशन करके। उसके बाद द बायोलॉजिकल अप्रोच इज टू ऑल्टर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू पेशेंट। सो बायोलॉजिकल अप्रोच को हम चेंज करेंगे, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम चेंज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग हम उनको डिजाइन करेंगे। फिजिकल अप्रोच में क्या होगा, उसकी जो डिजाइन है, डोसेज फॉर्म, वो हम चेंज कर देंगे। जैसे कि टैबलेट है तो हम उसको, अगर टैबलेट में सूट नहीं कर रही तो कैप्सूल बना देंगे, उसकी सिरप बना सकते हैं हम, तो मतलब उसको फिजिकली चेंज करेंगे। उसके बाद बेस्ट अप्रोच जो हमारे पास होती है वो है एनहेंसिंग ड्रग सिलेक्टिविटी वाइल मिनिमाइजिंग टॉक्सिसिटी, कि हम एनहेंस कर देंगे ड्रग की सिलेक्टिविटी को उसकी टॉक्सिसिटी कम करके, और वो आता है केमिकल अप्रोच के अंदर। सो ये तो हुआ कि इंट्रोडक्शन की हम कैसे कैसे चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें, सो ये टर्म है प्रोड्रग, वो 1958 में पहली बार दी गई थी बाय एड्रियन एल्बर्ट, ठीक है, जिसने कहा था कि बायोलॉजिकल इनर्ट डेरिवेटिव ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब समझते हैं कि बायोलॉजिकली इनर्ट मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये इनर्ट है। इनर्ट मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब जो न्यूट्रल होते हैं, जो कोई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो होते हैं इनर्ट। सो इनर्ट डेरिवेटिव ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल डेट अंडरगो एन एंजाइमेटिक और केमिकल कन्वर्जन। सो वो ड्रग जो एंजाइमेटिक और केमिकल कन्वर्जन होगी जिसके अंदर इन विवो बॉडी के अंदर टू रिलीज द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट ड्रग, जिससे क्या होगा, जो रिलीज करेगी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट ड्रग। सो मैं समझाता हूँ कि ओवरऑल होता क्या है प्रोड्रग। सो समझो ये एक ड्रग है और ये बाहर इनएक्टिव है, इनर्ट है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, पर जैसे हमने वो बॉडी के अंदर ली, अपनी बॉडी के अंदर गई हमारी, तो वो एक्टिव हो गई, मतलब इन विवो में एक्टिव हो गई और उसने फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट ड्रग को रिलीज कर दिया। सो वो होते प्रोड्रग, जो बाहर होती है इनएक्टिव और अंदर जाके वो एक्टिव बन जाती है। सो ये है उसकी पूरी डेफिनेशन। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, प्रोड्रग इज अ केमिकली मॉडिफाइड इन ए ड्रग, ये केमिकली मॉडिफाइड इन ए ड्रग है प्रीकर्सर विच अपॉन बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिबरेट द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट कंपाउंड। सो ये आपको समझ में आ जाएगा, पहली जो ड्रग थी, जो प्रोड्रग हमें दिखी थी, वो है ये एसीटेनिलाइड। तो इसका क्या हुआ कि ये पहले एरिनोक्साइड में कन्वर्ट हुई और फिर फाइनली पैरा हाइड्रोक्सी एसीटेनिलाइड में कन्वर्ट हो गई। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, ये हमने ली बॉडी के अंदर एसीटेनिलाइड, सो ये पैरा हाइड्रोक्सी एसीटेनिलाइड में कन्वर्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर जाके। सो ये एक प्रोड्रग है जो बाहर इनएक्टिव है और अंदर एक्टिव है। सो एक्टिव फॉर्म क्या होगी, ये वाली पैरा हाइड्रोक्सी एसीटेनिलाइड, और ये है इसकी इनएक्टिव फॉर्म, इनर्ट फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। अभी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। सो द प्रोड्रग कॉन्सेप्ट वाज इंटरनेशनली यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय पार्की डेविस कंपनी, ये कंपनी है जिसने पहली बार यूज करा था इसको, प्रोड्रग कॉन्सेप्ट को, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ क्लोरामफेनिकोल। सो क्लोरामफेनिकोल का पहली बार मॉडिफिकेशन हुआ था। सो जैसा कि हम जानते हैं कि दो उसमें आती है,
एक तो आती है क्लोरमफेनिकोल सोडियम सक्सीनेट और एक आती है क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट। तो ये दो दो ड्रग आती है क्लोरमफेनिकोल की। सो अब हमने करी क्यों ये, इसको तो हमने करी है सक्सीनेट वाली क्योंकि वाटर सोलिबिलिटी अच्छी हो गई, और पाल्मिटेट क्यों करी है क्योंकि जो इसका बिटर टेस्ट है, जो कड़वापन है, वो छुप जाए, तो सस्पेंशन के लिए हमने पाल्मिटेट को तैयार किया है। सो दोनों के अपने अलग अलग यूज है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है प्रोडक्ट का। उसके बाद ये इसका बताया गया है कि पहले क्लोरमफेनिकोल सक्सीनेट है, और फिर ये वाटर में जाके ये सोडियम सक्सीनेट और क्लोरमफेनिकोल अलग अलग हो जाती है बॉडी के अंदर जाके। सो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद गाइज ऑब्जेक्टिव हमने क्यों बनाया है कि हम ये तो पढ़ चुके हैं पूरा सोलिबिलिटी, सो और एक की ऑफेंसिव टेस्ट है जैसे क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट का था जो हमने बनाई है पाल्मिटेट। इनसफिशियंट केमिकल स्टेबिलिटी, फार्माकाइनेटिक की बात करें तो एब्जॉर्प्शन उसका लो है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर उसका जो ड्यूरेशन एक्शन का वो बहुत कम है, या टॉक्सिसिटी है। सो इन सब प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम करने के लिए हमने बनाई प्रोड्रग, जिसके अंदर सब चीज बेटर वे में प्रोड्यूस हुई है, जैसे इम्प्रूव्ड केमिकल स्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड बायोअवेलेबिलिटी, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब इन सब का अपोजिट है। इस हमारे हमने ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रोड्रग बनाने के। उसके बाद ये अपनी प्रोड्रग है और ये बैरियर है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो बैरियर्स होते हैं वो। सो ये क्रॉस करनी चाहिए प्रोड्रग जब ही वो हमारे यूजफुल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली प्रोड्रग तीन क्लास में डिवाइड है, कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग, बायो प्रिकर्सर और पॉलीमेरिक प्रोड्रग। और कैरियर लिंक्ड में बाय पार्टी, ट्राई पार्टी और म्यूचुअल पार्टी। सो पहले हम पढ़ते हैं कि कैरियर लिंक प्रोड्रग होता क्या है। सो कैरियर लिंक प्रोड्रग कंसिस्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ अ कैरियर ग्रुप टू द एक्टिव ड्रग टू ऑल्टर इट्स फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी। सो कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग वो होता है जो अटैच होता है कैरियर ग्रुप टू एक्टिव ड्रग, मतलब आप ये डायग्राम देखो सिंपल सा ही है, ये एक्टिव ड्रग है और ये कैरियर है, ये दोनों कंबाइन हुए, ठीक है, और ये बन गया कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग। अब हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कैरियर की, आपको पता ही है कैरियर किस लिए काम आता है, वो काम आता है ट्रांसपोर्ट के, मतलब अगर वो हमारे मेनली काम आता है एंट्री करवाने के, जैसे ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन की क्रॉस कौन करवाएगा, कैरियर। सो कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग। सो गाइस जो हमारा पहला हमारा वो है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग का जो पार्ट है वो है बाय पार्टी प्रोड्रग, जैसा कि इसका नाम बता रहा है बाय पार्टी, बाय मतलब दो और पार्टी मतलब दो जने इंक्लूड है इसको, मतलब इसके अंदर, सो वो प्रोड्रग है। सो इसमें क्या होगा, एक कैरियर होगा और एक होगी ड्रग। सो जैसा कि एग्जांपल देख सकते हो आप, टोलमेटीन है ये आपका ड्रग है और ग्लाइसिन है ये आपका कैरियर है। सो ये दोनों लिंक हो गए और बॉडी के अंदर कोई मेम्ब्रेन है उसमें पास कर गए, पास करने के बाद ये दोनों सेपरेट आउट हो गए। सो ये होता है बाई पार्टी प्रोड्रग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेकेंड नंबर का दो, वो है ट्राई पार्टी प्रोड्रग, जैसा कि इसका भी नाम बता रहा है ट्राई और पार्टी, तीन पार्टी इंक्लूड है। सो इसमें एक ड्रग है, एक कैरियर है और एक है लिंकिंग स्ट्रक्चर जो इन दोनों की दोस्ती करवा रहा है, मतलब इन दोनों को लिंक करवा रहा है। सो ये उसका एग्जांपल है कि ये कंपाउंड है और ये CH3CH2OH और CO2 ये सारे मिलके पूरी ड्रग बना रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है ट्राई पार्टी प्रोड्रग का। म्यूचुअल प्रोड्रग ये थर्ड नंबर का है हमारा लास्ट जो पार्ट था कैरियर लिंक का, जैसा कि जैसे म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे काम आए। सो इसमें क्या होता है कि दोनों फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट होते हैं जो कपल टुगेदर होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों मतलब के लिए दोस्त बन जाते हैं, पर जैसे ही उनका मतलब निकलता है, मतलब जैसे ही उसका सेल मेम्ब्रेन क्रॉस होता है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। सो ये सिंपल सा इसका फंडा है म्यूचुअल प्रोड्रग का। हम इसका एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर याद होएगा। जैसे पैरासिटामोल और एस्पिरिन, सो ये मिलके बनी है ड्रग बेनोरिलेट, ठीक है, तो बेनोरिलेट में क्या होता है पैरासिटामोल और एस्पिरिन, सो ये दोनों कंबाइन हो गई क्योंकि ये अपने पेनिट्रेट कर सके, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, और जैसी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस हो गई सो पैरासिटामोल अपने अलग हो जाती है और एस्पिरिन अपने अलग हो जाती है। सो यहाँ पे होता है COOH, एक OH चला गया और इसका H चला गया, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली OH एल्कोहल ग्रुप था और यहाँ पे COOH था। सो हुआ क्या, हमारा वाटर मोलिक्यूल
निकल गया और ये दोनों जुड़ गए। जैसे बॉडी के अंदर जाएंगे वाटर मोलिक्यूल ऐड हो जाएगा और ये भी अलग अलग हो जाएंगे। सो हमने तीन पढ़ा इसमें, बाई पार्टी जिसमें एक ग्रुप है और एक कैरियर है, ट्राई पार्टी जिसमें ड्रग है कैरियर है और एक लिंकिंग स्ट्रक्चर है बीच में, और एक है म्यूचुअल प्रोड्रग जो दो ही ड्रग है पर वो एक दूसरे का काम आ रही है, कोई कैरियर हमको चाहिए नहीं तीसरा। उसके बाद एक और है ये सल्टामिसिलिन जिसमें हमारा एम्पीसिलिन है और ये सेलबैक्टम है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास थी कैरियर लिंक के बाद वो है बायोप्रिकर्सर। सो बायोप्रिकर्सर प्रोड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट आफ्टर इन वीवो केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ देयर इनएक्टिव फॉर्म। सो बायोप्रिकर्सर प्रोड्यूस करती है अपने इफेक्ट को इन वीवो केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद। बायोप्रिकर्सर प्रोड्रग रिलाई ऑन ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव एक्टिवेशन। सो जो ये भरोसा करती है रिलाई करती है वो किस पर करती है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव एक्टिवेशन पे, ठीक है, या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसका रिडक्शन होगा। अनलाइक हाइड्रोलिटिक एक्टिवेशन और ऑफ कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट, मतलब उसमें कोई वाटर मोलिक्यूल की कोई रोल नहीं होगा, जैसे कैरियर लिंक में होता है ना कि हाइड्रोलिटिक एक्टिवेशन होती है, सो ऐसा इसमें फंडा कोई है नहीं। उसके बाद ये उसका एग्जाम्पल है कि पहले ये इनएक्टिव था और फिर ये एंटीबैक्टीरियल और इस ग्रुप संग अटैच हुआ, सो ये जब अंदर गया तो ये एक्टिव हो गया। या फिर सिंपल हम इसका देखें साइक्लोफोस्फामाइड का, ये इनएक्टिव था अंदर जाके फोस्फामाइड मस्टर्ड में ये कन्वर्ट हो गया और ये एक्टिव हो गया और इसको ये साइटोक्रोम P450 इसने एक्टिव कराया लिवर में। उसके बाद जो थर्ड हमारी लास्ट क्लास थी वो थी पॉलीवेरिक ड्रग। सो इसको हम मैक्रोमोलिकुलर प्रोड्रग भी बोलते हैं। ये ड्रग क्या होती है, डिस्पर्स जाती है पॉलीमर्स में, इस बारे में बोलते हैं इसको पॉलीमेरिक ड्रग। सो ये हम यूज करते हैं कंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ड्रग के लिए, मतलब हमने दिन में एक डोज दे दी और वो प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसका एक्शन रहेगा, मतलब थोड़ी 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 वो रिलीज होती रही हर घंटे, ठीक है, इस बारे में बेसिकली यूज करते हैं इसे। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है नोबल क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं टाइप वन टाइप टू। टाइप वन क्या होता है, जो इनसाइड द सेल बायो एक्टिवेटेड होता है, ठीक है, और टाइप टू क्या होता है जो बायो एक्टिवेटेड होता है आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलरली, और जो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिफरेंस। उसके बाद अगर हम बात करें उसके एप्लीकेशन की, तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हम दो तरह के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक है फार्मास्यूटिकल एक है फार्माकोकाइनेटिक। सो फार्मास्यूटिकल में पहला है मास्किंग टेस्ट और ओडोर, तो जैसा कि नाम बता रहा है इसका कि हम टेस्ट को और उसकी स्मेल जो मतलब उसका ओडोर है उसको भी मास्क कर देंगे, उसको हम छुपा देंगे कोई भी परफ्यूमरी एजेंट वगैरह डाल के या फिर उसको मॉडिफिकेशन करके। एग्जाम्पल है इसका क्लोरामफेनिकोल पालमिटेट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये उसका स्ट्रक्चर है गाइज। और उसके सेकंड है कि रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन, जो हमारी स्टमक में जो इरिटेशन होती है उसको भी कम करता ही है। रिडक्शन इन पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, कि अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो पेन होता है IM इंजेक्शन में वो क्यों होता है, ड्यू टू वीकली एसिडिक नेचर और पुअर एक्वस सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। सो अगर वो सोलिबल नहीं होगा, पुअर सोलिबिलिटी होगी ड्रग की, सो हमारा वो मसल में दर्द होएगा। सो हम क्या करेंगे, उसकी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने इसमें देखा था फॉस्फेनिटोइन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था फेनिटोइन में, सो जिससे क्या होगा कि IM देते टाइम कम दर्द होगा। उसके बाद एनहेंसमेंट ऑफ ड्रग सोलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। उसके बाद हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन। सो फर्स्ट है एनहेंसमेंट ऑफ ओरल बायोअवेलेबिलिटी, ये मतलब अगर हम ओरली ले रही हैं ड्रग को तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है कि एल डोपा था, इसमें CO2 निकल गया तो बन गया डोपामिन, मतलब हम बॉडी में तो एल डोपा ले रहे हैं पर एक्टिव फॉर्म है इसकी डोपामिन। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोड्रग। फिर है प्रिवेंशन ऑफ प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म, कि मतलब प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म ना हो इस मारे हम ये करते हैं प्रोड्रग भी यूज करते हैं। ये उसके एग्जाम्पल है।